क्या नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियो, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आ रही है, दिल तोड़ने वाली खबर। टेलीविजन अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। जानकारी के मुताबिक मुंबई में गुरुवार को कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ का निधन हुआ। बॉलीवुड जगत और टीवी जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है, साथ ही उनके जो फैंस हैं, तमाम फैंस का दिल टूट गया है, सब शॉक में चले गए हैं। टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर पर यकीन कर पाना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कूपर अस्पताल के अधिकारी ने निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि सिद्धार्थ 40 के थे। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। उनको सुबह दिल का दौरा पड़ा, उन्हें कुछ समय पहले मृत अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी माँ और दो बहनों को छोड़कर चले गए हैं। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री हिलकर रह गई है। रवीना टंडन, सुनील ग्रोवर समेत कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को लंबे समय तक चलने वाले टीवी शो बालिका वधू से जाना जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दिल से दिल तक, बिग बॉस, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल टीवी शोज में नजर आए। उन्होंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ भी काम किया, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और अब ऐसे में ये खबर सामने आना, बिग बॉस में जब वो लास्ट टाइम नज़र आए थे, चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, वो था सिद्धार्थ शुक्ला। अब सिद्धार्थ हमें ऐसे छोड़ के गए, वाकई दिल टूटने जैसा है। 12 दिसंबर 1980 को उनका मुंबई में जन्म हुआ था। मॉडलिंग में उन्होंने करियर बनाया, मॉडलिंग के दिनों में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। बाद में 2008 में सिद्धार्थ शुक्ला ने बाबुल का अंगना छूट न जाए टीवी सीरियल में काम किया। एक्टर फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7, सावधान इंडिया और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी नजर आया। हालांकि बिग बॉस 13 में उन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग को खूब ज़्यादा पसंद किया। दोनों ने हाल ही में बिग बॉस OT में भी पार्टिसिपेट किया था। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि इतना एक्टिव रहने वाला इंसान एकदम से अचानक हमें छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, तो दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि जरूर दें, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।